करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध परतनान देशना में उपस्थित सदा पूजनीय भिक्षु संघ, इस परितान सभा में उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, इस आयोजन के को कराने करवाने वाले आयोजन का के लिए संघ को आमंत्रित करने वाले अशोक नामदेव रगड़े एवं उनका परिवार, आज आप सभी लोग महापरित्राण पाठ के लिए उपस्थित हुए हैं। संघ को भी उसके लिए निमंत्रित किया है। बौद्ध परंपरा में विनय अनुसार यदि किसी नगर में 5 भिक्षुओं एकत्रित होते हैं तो उसे संघ मान लिया जाता है। तो आज आपके इस आयोजन में पूर्ण संघ उपस्थित है, इसलिए आप सबको बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि संघ मिलकर के परित्राण पाठ कर रहा है। बौद्ध परंपरा में संघ की जो परिकल्पना की गई है उस संघ के द्वारा ही की गई है। महापरित्राण पाठ एक भिक्षु के द्वारा या 2 भिक्षुओं के द्वारा नहीं होता है, संघ के द्वारा होता है। और नगर में जो संघ का पूर्ण होना है वो 5 भिक्षुओं से है। तो 5 लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, तो इसलिए संघ मिलकर के आपके लिए आज आप सबके सुखी जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, दुख मुक्त के लिए और निर्माण मार्ग पर अग्रसर बने रहने के लिए, सदमार्गी बने रहें आप लोग, इस शुभकामनाओं के साथ संघ मिलकर के परित्राण पाठ करेगा। परित्राण पाठ का जो अर्थ है वो उसका अर्थ होता है परि मतलब दूर करना, 2 शब्दों से बना है, एक परि और त्राण। परि का अर्थ होता है दूर करना, हटाना। त्राण का अर्थ होता है दुख, अर्थात दुखों से को हटाना, दुखों से मुक्त होना एक अर्थ है। दूसरे में परित्राण का अर्थ होता है एक तरह से मेरा सुरक्षा उत्पन्न करना, सुरक्षा सुरक्षित होना, अपनी सुरक्षा के लिए भी। तो अपनी सुरक्षा का अर्थ है जो भी ये दुख इत्यादि जो हमारे जीवन को परेशान करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो चीज़ें जो जीवन में दुख उत्पन्न करती हैं उनसे पूरी तरह से परि करना, त्राण करना, उनसे दूर रहना, उनको हटाना। बहुत सारे त्रिपिटक साहित्य में, बहुत सारे सूत्रों में संघ द्वारा इस तरह का महापरित्राण पाठ का आयोजन करने का तो विवरण जगह जगह नहीं मिलता है, लेकिन संघ द्वारा परित्राण देशना करना, धम्म देशना करने का विवरण कई जगह मिलता है। एक प्रमुख स्थान पर, एक प्रमुख सूत्र में इस तरह के महापरित्राण पाठ का विवरण जरूर मिलता है, वो भी 24 घंटे या मतलब पूरी रात्रि का नहीं बल्कि पूरे 7 दिन का परित्राण पाठ का विवरण या जिक्र मिलता है। एक बार एक ग्रस्त उपासक ने बुद्ध समेत संघ को अपने घर में परित्राण देशना और भोजन एवं धम्म देशना के लिए आमंत्रित किया था। उस गृहस्थ का इकलौता एक पुत्र था। वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह भी करता था क्योंकि इकलौता पुत्र है। भगवान बुद्ध को के का आसन उसने अपने घर के पीछे साइड में लगाया।
दरवाजे से भगवान बुद्ध के आसन तक उसने एक कारपेट की तरह रेड वस्त्र डाला, एक वस्त्र बिछाया, और वस्त्र को बिछाते समय मन में ये भाव उत्पन्न किया, ये चेतना उसे मन में किए, भाव विचार उसने किया, या ये संकल्प एक मन में लिया कि तथागत सम्यक संबुद्ध यदि इस वस्त्र से पैर रखते हुए चलते हुए अपने द्वारा लगाए विषय आसन तक पहुँचे तो बुद्ध के उस सत्य बल से मेरा पुत्र दीर्घ आयु को प्राप्त हो, लंबी आयु वाला हो। तथागत सम्यक संबुद्ध जैसे ही उस विषय बिछाए हुए वस्त्र के तया कारपेट तक पहुँचते हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध उस ग्रस्त उपासक के मनोसंकल्प को समझ लेते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध तो बहुत दूर की बात है। बौद्ध परंपरा में चार मार्ग और चार मार्ग फल बताए गए हैं। पहला श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी और अर्थ, ये चार। तो जो व्यक्ति श्रोतापन भी होता है वो भी परचित्तगामी होता है, तथागत सम्यक संबुद्ध की तो बात ही अलग है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उस ग्रस्त के चित्त में उत्पन्न उस संकल्प को वो समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। जैसे ही संकल्प को जानते हैं तो चिंतन करते हैं कि इस ग्रस्त ने इस संकल्प के साथ बिस्तर, ये कारपेट या वस्त्र बिछाया है कि अगर मैं इस पे से चल करके अपने द्वारा अपने लिए विषय आसन तक पहुंचूं तो इसका पुत्र दीर्घ आयु को प्राप्त करे। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध उस वस्त्र पर चलने से पूर्व उस पुत्र के आयु संस्कार को देखते हैं कि उसके पुत्र की आयु संस्कार कितना है। भगवान अपने बुद्ध बल से अवलोकन करते हैं उस पुत्र के आयु संस्कार को, तो उन्हें पता चला जिस पुत्र की यह ग्रस्त लंबी आयु की कामना कर रहा है उसकी आयु संस्कार तो मात्र एक सप्ताह का है, 7 दिन का है, उससे ज्यादा का है नहीं, उससे ज्यादा ये जीवित रहने वाला है नहीं। तो बुद्ध वहीं उस पर चलते नहीं, वहीं खड़े हो जाते हैं। बुद्ध आकर के वहां खड़े होते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध, तो ग्रस्त भी परेशान, उनके साथ आनंद भी परेशान कि भगवान आगे चल रहे हैं। तो भगवान आनंद, कभी भगवान को देखते हैं फिर भगवान आनंद को देखते हैं, फिर आनंद भगवान को देखते आनंद समझ नहीं पा रहे। फिर फाइनली भगवान ने उस पे कदम नहीं रखा, आनंद को देखा, आनंद को देख के आनंद को फिर समझ में आया कि भगवान हो ना हो इस बिस्तर या जो बिछाए गए आस जो ये वस्त्र है, ये कारपेट, इस पे चलना नहीं चाहते, इसमें कोई दोष है। तो तब आनंद उस ग्रस्त को कहते हैं, उपासक इस वस्त्र को लपेट के रख दो, फोल्ड कर दो। आनंद की बात को स्वीकार करके वो ग्रस्त उस वस्त्र को लपेट देता है। फिर भगवान अपने द्वारा बिछाए गए आसन तक पहुंचते हैं। अब इतना होने के बाद वह ग्रस्त उपासक बहुत व्याकुल होता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका तो संकल्प था कि तथागत सम्यक संभ बुद्ध मेरे द्वारा बिछाए गए उस वस्त्र से पे चलते हुए अपने द्वारा अपने लिए बिछाए आसन तक पहुंचेंगे तो मेरा पुत्र दीर्घायु प्राप्त होगा। अब तथागत सम्यक संबुद्ध ने वो वस्त्र ही हटवा दिया, उसके ऊपर से चले नहीं, इसके मतलब ये है कि मेरे पुत्र के जो आयु है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो वह घबरा के बुद्ध के सबसे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाता है और अपनी घबराहट, अपनी व्याकुलता बुद्ध के समक्ष रखता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, बुद्ध पूछा, आप बिछाए अपने आसन क्यों हटवाया? तथागत सम्यक संबुद्ध के, तुमने आसन बिछाने से पूर्व ऐसा ऐसा संकल्प धारण किया था? कर हाँ भगवान, मैंने ये संकल्प धारण किया था कि यदि आप उस पे चलेंगे तो मेरा पुत्र दीर्घायु को प्राप्त हो। तो मैंने अपने, तथागत कहते हैं कि मैंने अपने बुद्ध बल से उसका अवलोकन किया, उसके आयु संस्कार का, तुम्हारे पुत्र की आयु संस्कार केवल 7 दिन की बची है। आज के 7वें दिन वह इस संसार को छोड़ेगा, काल को काल गति को प्राप्त होगा। तो ये उपासक
इकलौता पुत्र, जिस माँ बाप को उसके इकलौते पुत्र के मृत्यु का समाचार प्राप्त हो जाए तो वह माँ बाप कितना परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। वह ग्रस्त उपासक भी बहुत परेशान हुआ, बहुत व्याकुल हुआ होता है। तो भगवान से कहता है, भगवान आप तो सम्यक संबुद्ध हैं, सर्वज्ञानी हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आप भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, आप जरूर कोई ना कोई उपाय जानते होंगे। मेरा इकलौता पुत्र है और हमको बहुत प्रिय भी है, तो कुछ ना कुछ भगवान उपाय करिए कि यह दीर्घायु को प्राप्त हो, लंबी आयु को प्राप्त हो। तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि अब से लेके एक सप्ताह तक तुम संघ को बुला करके परित्राण देशना कराओ, और वह परित्राण देशना निरंतर चलती रहनी चाहिए एक सप्ताह तक, उसका इंतजाम करो, उसकी व्यवस्था करो। वह ग्रस्त अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए बुद्ध के बताए इस उपाय को के लिए पूरी तैयारी करता है। भगवान बुद्ध भी संघ को भेजते हैं और उस ग्रस्त के घर में एक सप्ताह तक परित्राण पाठ होता है। सातवें दिन तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं आते हैं और आकर के धर्म देशना करते हुए उस पुत्र को लंबी आयु होने का आशीर्वाद देते हैं। कहानी बहुत बड़ी है, पर उस परित्राण पाठ के प्रताप से, उसका सार यह है कि उस परित्राण पाठ के प्रताप से उस बालक का, जो उस पुत्र की आयु संस्कार केवल 7 वर्ष थे, वो दीर्घ आयु को प्राप्त हो जाता है। तब से उसका नाम दीर्घ आयु कुमार पड़ जाता है। अंत में उस पुत्र के, उस बालक के माता पिता उस बालक को संघ को सौंप देते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, इस बालक को आप संघ में स्वीकार कर लें, क्योंकि आपके संघ की वजह से आज ये जीवित है, तो कम से कम इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दुख तो नहीं है। ये नहीं होता तो बहुत दुख होता। आज ये जीवित है संघ की वजह से, तो संघ इसको स्वीकार कर ले। तो ये संघ में, संघ को समर्पित कर देते हैं। संघ में रहते हुए बालक बाद में अर्हत होता है और दीर्घायु कुमार अर्हत के नाम से वो आज प्रसिद्ध है और साहित्य में उसका नाम मिलता है। तो इस तरह के विवरण तो कई कई सूत्र पाठ के मिलते हैं। बाकी तो कोई विशेष इस तरह के आयोजन करना और घर में रात भर 24 घंटे इस तरह के पाठ करने का तो नहीं मिलता है, पर बुद्ध वचनों का श्रवण हमेशा सुख कर है, हित कर है, कल्याण कर होता है। बुद्ध वचनों के श्रवण से चित्त में उत्पन्न विकारों का समन होता है। चित्त के विकारों के समन से चित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न होते हुए कुशल कर्मों को संपादन करते हुए निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसलिए बुद्ध शासन बौद्ध परंपरा का या बौद्ध धम्म का हम कहें, इसका जो अभ्यास है, इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो चित्त की परिशुद्धि है। माध्यम चाहे कोई भी हो, विनय का अनुपालन करके, धम्म का अनुपालन करके, अभिधम्म देशनाओं का के मार्ग को पर चलते हुए, या समाधि के मार्ग पर चलते हुए, या प्रज्ञा को उत्पन्न करके, तो शील समाधि प्रज्ञा इत्यादि चीज़ों का अभ्यास करने के साथ साथ जो इसका मूल उद्देश्य वो एक ही है, चित्त की परिशुद्धि करना। चित्त परिशुद्ध होगा तो हम मेरा जीवन जो है सुख में होगा, कल्याण में होगा। जिस तरह से बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से हमारे सुंदर से घर में, परिशुद्ध घर में हमें रोज रोज झाड़ू और पोंछा करना पड़ता है, तो वह साफ सुथरा रहता है। यदि वहां कुछ दिनों के उपरांत, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना इत्यादि समय के उपरांत वहां झाड़ू पोछा इत्यादि किया जाए, तो आप देखेंगे इतने दिनों तक उसको ऐसे छोड़ देने की वजह से एक धूल की एक परत जम जाती है,
और इसको काफी दिनों तक छोड़ दिया जाए, उसके बाद उसको साफ किया जाए, तो वह पत्थर, वह टाइल्स पहले की तरह कभी भी चमकेगा नहीं। उसी तरह से इस चित्त में को समय समय पर यदि परिशुद्ध न किया जाए, इसको साफ न किया जाए, भगवान बुद्ध कहते हैं चित्तंग रजनं रजंग हरणंति, चित्त रूप में जो रज है, जो चित्त का जो मल है, वो जो गंदगी, उसको अगर हरण नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, तो एक बहुत जम जाती है। उसको उसके बाद कितना दिनों तक कितना मेहनत आप प्रयास करें तो भी पहले की तरह परिशुद्ध नहीं होती है। तो इसलिए यदि इसको समय पर भगवान, जैसे मंगल सूत्र भगवान थे, काले ने धम्म सा कच्चा या काले ने धम्म सबनंग, तो काले ने धम्म सब समय समय सत्संग करना, अर्थात धर्म का श्रवण करना, समय समय पर जब अवसर मिले जीवन में धम्म का श्रवण करने से, बुद्ध वचनों का श्रवण करने से चित्त की वह रज जो है वो धुल जाती है, साफ हो जाती है, तो चित्त मेरा परिशुद्ध हो जाता है, फिर वह सत्व, वह प्राणी मंगल की तरफ या अपने कल्याण की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसलिए भी ये बुद्ध वचनों का पाठ नितांत एक तरह से हमारे सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, पर इसके लिए चित्त की परिशुद्धता का होना बहुत जरूरी है। दो चीजें यहाँ, दो क्रियाएं यहाँ होती हैं, एक चीजों को भेजता है, दूसरा चीजों को ग्रहण करता है। संग परिशुद्ध चित्त से बुद्ध वचनों का पाठ करके एक कुशल वाइब्रेशंस आपके लिए सेंड करता है, और आप यदि उतने ही परिशुद्ध चित्त से, परिशुद्ध मन से उन वाइब्रेशन को ग्रहण करते हैं, तो बुद्ध वचनों से के श्रवण से मिलने वाला प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यदि दोनों में से एक भी गड़बड़ है तो वह प्रतिफल पूर्ण नहीं होता है। आज के रूप में, उदाहरण के रूप में को हम अगर समझें इस बात को, तो हम सबके पास फोन है। ये फोन दो तरह से काम करता है, एक टेलीफोन एक्सचेंज में जो मशीनें हैं वो सही होनी चाहिए और आपके फोन का की भी ठीक होनी चाहिए। यदि टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपका फोन कितना भी अच्छा है, नया है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी बात नहीं हो सकती। टेलीफोन एक्सचेंज बिल्कुल ठीक है, सही से काम कर रहा है, और आपके फोन में कुछ गड़बड़ है तो भी बात नहीं हो सकती है। सेंडर और रिसीवर, प्रदाता और ग्रहिता, दोनों ही ठीक होने चाहिए, तो हमेशा बुद्ध वचनों से कल्याण होता है, सुमंगल होता है। भगवान बुद्ध कई जगह अपने सूत्रों में कहते, मैं तुम्हारे कल्याण की गारंटी लेता हूँ, जामिन होता हूँ। इतिवृत्तक छोटा सा ग्रंथ, उस ग्रंथ के सूत्र के हर अंत में भगवान ये बात कहते हैं। पर हम जानते हैं कि जहाँ पर गारंटी है वहाँ पर शर्तें होती हैं, बिना शर्तों के, बिना नियम के कहीं भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बुद्ध वचनों में आपके सुखी जीवन के, कल्याण जीवन के गारंटी है, पर तब जब परिशुद्ध शर्त उसमें क्या है कि आप परिशुद्ध चित्त से, बिना विकार रहित चित्त से, जिस क्षण आप श्रवण कर रहे हैं उस क्षण आपके चित्त में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। अभी आपने अपने चित्त को परिशुद्ध किया, शील ग्रहण करके परिशुद्ध किया, जैसे हम घर को पानी डाल करके, पोछा मार के इत्यादि हर रोज साफ करते हैं, ऐसे ही पुनः पुनः सील ग्रहण करके इस चित्त को साफ सुथरा करते हैं, फिर पुनः ये जब तक हम धर्म श्रवण कर रहे हैं, बुद्ध वचनों का श्रवण कर रहे हैं, तब तक वह चित्त फिर से परिशुद्ध दूषित नहीं होना चाहिए। तो जितनी देर तक हम श्रवण करें उतनी देर तक के चित्त बिल्कुल परिशुद्ध होना चाहिए। तो संग बिल्कुल परिशुद्ध चित्त से बुद्ध वचनों का पाठ करेगा, और आपको परिशुद्ध चित्त से सुनना है, समझ में आए समझ में ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चित्त परिशुद्ध है और कान खुले हैं, कान तो वैसे भी खुले हैं, तो कानों का काम समझने से तो है नहीं, ये कान का काम है शब्दों को ग्रहण करना और आपके मन को भेजना, वहां प्रोसेस होती है, तो पता चलता है समझ में आया कि नहीं आया, प्रिय था कि अप्रिय था, कैसा था शब्द, ये तो जब प्रोसेस होती तो पता चलता है। तो कान अपना काम करके शब्द को सुनेंगे और चित्त परिशुद्ध है, विकार रहते हैं, तो वह अपना काम जरूर करेगा। इसलिए हम लोग सूत्र के बीच में आप कई जगह आता है, एतेन सच्च वचन होत ते जय मंगलानी,
इस सत्य वचन से आपका जय हो, आपका मंगल हो। कौन से सत्य वचन से? बुद्ध के इस सत्य वचन से, जो बुद्ध ने कहा, जिसका हमने श्रवण किया, जिसका संघ अभी पाठ कर रहा है। संघ कहता है कि इतने सत्य वचन, जो मैंने बुद्ध के सत्य वचनों का पाठ किया, बुद्ध के इस सत्य वचन से आपकी जय हो, आपका मंगल हो। तो हमने कहा, आपने सुना, आपके कानों में वो शब्द गए और चित्त एकाग्र रूप से परिशुद्ध है, तो वो वहां जो प्रोसेस होगी वो सुखद होगी, वो कुशल होगी, वो सुखदायी होगी। उसके लिए बुद्ध कहते हैं वो दीर्घ आयु को भी प्राप्त हो सकता है व्यक्ति, वो व्यक्ति सुख कर भी हो सकता है। आपके विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं, रोग हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई महामारी नहीं घेरेगी, असमय उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको कभी कोई प्रलय, कोई इत्यादि जो अप्राकृतिक या अप्राकृतिक जो परेशानियां हैं वो कभी नहीं घेरती हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं इस परित्राण सूत्र देशना के। चूँकि हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं, तो कल इस परित्राण विषय के से संबंधित संघ मिल करके आपको धर्म देशना करेगा। आज की प्रस्तावना के लिए इतना काफ़ी है। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ।